तो अब हम बना रहे हैं लकलांशी सेल। लकलांशी सेल होता है प्राइमरी सेल, ठीक है। और ये हमारे जो लैब असिस्टेंट सर है ना, सर कैसे, बढ़िया एकदम। और ये हमारे स्टूडेंट शाश्वत, विक्रांत, और जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है वो है जीवेश, है ना। तो ऐसा है कि हाँ, एज यू कैन सी दिस इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो करंट की प्रेजेंस बताता है। गैल्वेनोमीटर अगर आप देख सकते हैं कैमरे में, तो ये करंट की प्रेजेंस बताता है। अब बात ये है कि गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम कनेक्ट करवाते हैं कार्बन रॉड से, विच इज अ पॉजिटिव टर्मिनल, और जो नेगेटिव है वो जाता है जिंक रॉड के साथ। तो स्टूडेंट्स अभी आप एक चीज देखिएगा, जिंक रॉड को मैंने कनेक्ट करवाया, लेकिन इस जिंक रॉड को इसके अंदर डालूंगा अभी। इट इज ओनली वाटर, देयर इज नो केमिकल एडिंग, कोई भी केमिकल ऐड नहीं है। देखिए जिंक रॉड को इसमें डाला। अब अगर आप पास में आके थोड़ा सा रीडिंग देख सके, कैमरा सर बिल्कुल थोड़ा पास ले इसके, तो अगर आप स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे तो मैं देखिए इस वायर को जिंक रॉड से टच करवा रहा हूँ, और वायर को जिंक रॉड से टच करवाने पर मुझे रीडिंग मिल रही है। आप खुद सोचिए कि मैंने इसमें कुछ भी अभी तक नहीं मिलाया है, लेकिन देखिए ये रीडिंग आ रही है। इसका मतलब बिना NH4Cl मिलाए, बिना NH4Cl ऐड किए भी एक तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन। प्योर वाटर जो होता है दैट इज एन इंसुलेटर, प्योर वाटर इंसुलेटर होता है। अब नॉर्मली वी डू नॉट हैव प्योर वाटर, तो मतलब कि कुछ कंडक्टिंग इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है। सेकंड, ये इम्परफेक्शन कहते हैं, मींस हम लोग जो भी चीजें यूज कर रहे हैं वो एकदम प्योर नहीं है। देयर आर सम आयंस, तो कुछ इम्प्योरिटीज है, एंड इम्प्योरिटीज आर वेरी गुड कंडक्टर। उन इम्प्योरिटीज की वजह से ये अभी से ही एक तरह से सेल बन गया है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर साहब को बताने के लिए आप ये काफी बिल्कुल नहीं होगा। एग्जामिनर साहब को बताने के लिए आपको इसमें मिलाना पड़ेगा अमोनियम क्लोराइड। इफ यू डू नॉट हैव अमोनियम क्लोराइड, यू कैन ऐड सोडियम क्लोराइड, NaCl। शाश्वत मिलाओ उसको जल्दी से। अमोनियम क्लोराइड मिलाना है, बहुत ज्यादा मत मिलाना, क्योंकि जितनी कंसंट्रेशन है उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा। तो देखिए हालांकि जरूरत तो नहीं है, रीडिंग तो फिर भी आ रही है, और अब मैं थोड़ा सा अमाउंट यहाँ पे कम कर दूंगा अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है। सो दैट क्योंकि पहले से इतनी रीडिंग दे रहे हैं तो वो इम्प्योरिटीज का थोड़ा फायदा उठाए थे। सो आपने इस प्रैक्टिकल देखा, इसको थोड़ा मिला दे इसे। वट यू एक्चुअली सॉ इन दिस प्रैक्टिकल दैट वट इज द इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज इन मेकिंग अ प्राइमरी सेल। दीज आर प्राइमरी सेल, हम खुद बना सकते हैं। क्या चाहिए प्राइमरी सेल के लिए, एक डब्बा चाहिए, रॉड शुड बी देयर, वी मस्ट हैव अ कार्बन रॉड, जिंक रॉड, गैल्वेनोमीटर एंड NH4Cl। इफ यू डोंट हैव NH4Cl वी कैन हैव सोडियम क्लोराइड NaCl। वो भी नहीं है तो बस जस्ट इसको आप गंदा कर दीजिए, वो इम्प्योरिटीज भी आपको काम आएंगे, ठीक है। तो इम्प्योरिटीज का ये इफेक्ट आता है, दैट्स व्हाई प्रैक्टिकल रीडिंग्स आर नॉट वेरी गुड। तो चलिए अब इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड मिला दिया है, ठीक है। थैंक यू शाश्वत, ये आपने किया। अब देखिए फिलहाल कोई रीडिंग नहीं है, व्हाई, बिकॉज नेगेटिव टर्मिनल इज नॉट कनेक्टेड। भाई आपको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओनली इन दैट केस यू कैन हैव करंट देयर। सो राइट नाउ यू कैन सी इन कैमरा द गैल्वेनोमीटर इज एट जीरो, दिस इज शोइंग जीरो। गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच शोज प्रेजेंट ऑफ करंट एंड दिस इज एट एक्चुअल जीरो, ठीक है। अब देखिए इस वायर को, दिस वायर विल बी कनेक्टेड टू जिंक रॉड। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं इसको जिंक रॉड से सिर्फ कनेक्ट करवाऊंगा, तो देखिए जैसे ही इसको मैं कनेक्ट करवाऊंगा आप रीडिंग देख सकते हैं जी। यू कैन सी द नीडल ऑफ गैल्वेनोमीटर जी, इज द रीडिंग, समझ में आ रहा है आपको ये, ठीक है। इस तरह से ये हमें रीडिंग, इसका मतलब कि ये फुल स्केल डिवीजन हमारे को मिल गया है, ये हम इसका मतलब सेल बनाने में कामयाब हो गए। सो गाइस, दिस वाज मेकिंग ऑफ अ प्राइमरी सेल, लकलांशी सेल। सो वी आर इन दिस ब्यूटीफुल फिजिक्स लैब ऑफ SKM पब्लिक स्कूल, ग्रामोत्थान विद्यापीठ, संगरिया, हनुमानगढ़, विद माई 12th क्लास स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर रिस्पेक्टेड रविंदर सर, मैं अभी इनको दिखा देता हूँ कैमरा के लिए। ओके सर, बाय। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय कर दो बच्चों।